स्वागत है गाइस आप सबको हमारे चैनल पे। मैं उगा सिंह और भाई आज हमारा जो ओपोनेंट है ना वो तो आपने बहुत बार देखा होगा, पर इस बार जिस बंदे के साथ बैटल हो ना वो देखने वाली बात है। अच्छा, कई लोग बोलेंगे एलन है, पर मेरे को सुनने में आ रहा था कि कोई और खेला या फिर एलन भी खेला तो मेरे को नहीं परवा या फिर पता नहीं कौन है। फिलहाल के लिए मेरे से बैटल कर रहा है तो फिलहाल के लिए मेरा ओपोनेंट है। तो मैं ये प्रॉब्लम में हूँ कि उसके पास एक म्यूटू है डबल जीमू के साथ और मेरे पास प्रेसरेबिलिटी वाले पोकेमॉन्स हैं नहीं, तो मेरे को डबल जीमू लेने पड़ेंगे। और फिलहाल मेरी टीम में दो ही पोकेमॉन है जो डबल जीमू लेने के बाद जिंदा रह पाएंगे। टाइप वाइज अगर देखा जाए तो एक तो डाकरा है, दूसरा स्टीलिंग्स है। डाकरा का काम हो गया, उसने स्टिकी वेव डाल दिया, नॉकऑफ भी डाल दिया, इतना ही मेरे को चाहिए था। बाकी काम के लिए मेरे पास बाकी पोकेमॉन्स है तो मैं यहाँ पर जल्द से चेंज करके फोर्ट्रेस भेजता हूँ। सो तरीके से मैं यहाँ पर स्टीलिंग्स भेजना चाहता था पर गया मेरा फोर्ट्रेस और पहला ही नॉकऑफ बहुत बड़ा डैमेज देता है, प्लस ये क्रिटिकल हिट भी था और मैंने यहाँ पर स्पाइक्स डाल दिए। एक बार भी डालना काफ़ी होगा। स्लैथरॉक्स इसीलिए नहीं डाला क्योंकि उसके पास कोई ऐसा पोकेमॉन नहीं है जो स्लैथरॉक्स से ज़्यादा डैमेज ले। उसके बाद जो पोकेमॉन्स हैं वो स्पाइक्स से ज़्यादा डैमेज देंगे, ग्राउंड टाइप के अगेंस्ट वीक हैं तो उस तरीके से ज़्यादा सबको बराबर डैमेज मिलेगा। तो मैं जल्दी यहाँ पर पोकेमॉन चेंज करता हूँ, मैं भेजता हूँ डाकरा ताकि इसका डबल जीमू वहाँ पर वेस्ट हो जाए और काम हो गया। अब मैं काम कर सकता हूँ, मैं सीधा मोबाइल का जीमू मार सकता हूँ या फिर स्टीरिंग से ला के ड्रैगन टी लगा सकता हूँ या फिर फिशर मार सकता हूँ। फिलहाल मैं फिशर मारने की वजह सोच रहा हूँ क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये मार दिया मेरी स्टीलिंग्स को, आराम से स्टीलिंग्स टिक जाएगा। और पहला ही सर ठीक है, पहला फिशर ठिकाने पे, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे फिशर्स अब हिट होंगे स्टीलिंग्स के अगर स्टीलिंग्स जिंदा रहा तो। सामने है ग्राउडॉन तो मैं जल्दी से गेंगार लेके आता हूँ। एक्चुअली मैंने पहले ही गेंगार भेज दिया था और ये सामने है, मैं सीधा जीमू लगा रहा हूँ क्योंकि ग्राउडॉन को मारने के लिए मेरे पास कोई सा पोकेमॉन नहीं है। दर्द फिलहाल के लिए गेंगार जो पॉइजन इफेक्ट से धीरे धीरे से मार सकता है, क्यों क्योंकि मैं इसे हील होने का मौका ही नहीं दूंगा। अभी जीमू आएगा मेरे को अंदाजा लग गया तो मैं स्टीलिंग्स भेज रहा हूँ ताकि वो मर जाए। अच्छा, जी मूव से मैं नहीं चाहता मेरे गेंगार मरे क्योंकि उसके पास सलगैलियो है तो उससे भी हैंडल करने के लिए मेरे गेंगार जिंदा रखना पड़ेगा। और स्टीलिंग्स के पास सिर्फ फिशर है और वैसे भी ये ग्राउडन के अगेंस्ट वीक पड़ जाएगा एक बार ड्रैगन डांस होने के बाद और पालकिया के अगेंस्ट भी। रही बात डाकराय को मारने की तो उसके लिए मैंने गेंगार सेव किया, उसके लिए भी सलगैलियो और डाकराय दोनों के लिए। सामने पालकिया है तो मैं जल्दी से सलगैलियो भेजता हूँ और एक बार बल्कअप करता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर फ्लेम चार्ज भी लगाना चाहता हूँ पर फिलहाल के लिए बल्कअप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या पता क्रिटिकल हिट का पड़ जाए, वाटर इंपैक्ट का, और कब जो है मामला पलट जाए। फिलहाल के स्टेज पर अगर देखा जाए तो डाकरा जो है सामने है। अब मैं यहाँ पर जीमू लगा देता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली स्टिक वेव का असर है, पर नहीं ये तेज़ है, इसका मतलब है मेरे को नॉक ऑफ लगाना पड़ेगा। जब तक इसका होल्ड आइटम है तो मेरा शायद कोई पोकेमॉन से तेज़ ना हो, मोबाइल शायद तेज़ हो जाए पर मेरे पास गेंगार है तो उसका इस्तेमाल करता हूँ। अब इस चीज़ के लिए मैंने बचा के रखा था, जीमू तो चला गया तो कोई ना, मैं नॉक ऑफ लगा के जाता हूँ, इसके बाद मेरा कोई भी पोकेमॉन तेज़ होगा। सब चले गए, सिचुएशन देखो, मेरे पास सिर्फ दो पोकेमॉन, सामने वाले के पास पांच पोकेमॉन, पर कोई ना, मैं सीधा जीमू लगा रहा हूँ और ये अगर हिट होता है तो सलगैलियो ये आ गया यार, मैं बस ये चाहता कि सलगैलियो ना आए पर ये आ गया, कोई ना। अब तो गेम चेंज हो गया, शायद ये पहली बार होगा ये बंदा मेरे अगेंस्ट जीते, पर ऐसा होने नहीं दूंगा मैं, ऐसे बंदों से तो नहीं हारना मेरे को भाई, कुछ भी हो जाए ऐसे बंदों से नहीं हारना। तो जल्दी से सलगैलियो भेज रहा हूँ क्योंकि उसके पास भी सलगैलियो मेरे पास भी है और मूव सेट क्या है ये मेरे को नहीं पता। फिलहाल के लिए बल्कअप है तो देखना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से मोबाइल भेजता हूँ, मेरे को अंदाजा लग गया बंदा चेंज करेगा क्योंकि इस तरीके से स्टेल होगा, ठीक है स्टेल चलेगा। ये आया पोकेमॉन डाकरा, मैं क्या काम करता हूँ, मैं बस एक बार प्लेयर अप लगाता हूँ, हिट हो जाए डाकरा मर जाए, फिर पोकेमॉन चेंज। सलगैलियो नहीं, यहाँ पर ग्राउडॉन है और ये पड़ा प्लेयर अप, ठीक है एक आयरन हेड, ग्राउडॉन का काम ख़त्म। गॉडज़िला एक आयरन हेड खाया अपने जिले में जाके गिरा होगा पक्का, गया गॉडज़िला। नेक्स्ट कायोग्रे, ये शेयर कोल्ड वाला प्रेशर वाला क्योंकि आते ही प्रेशर रिलीज कर दिया, नॉर्मली नज़र जाती नहीं पर जब भी प्रेशर एबिलिटी वाली पोकेमॉन देखता हूँ मेरी नज़र ऊपर ही रहती है, चेक करता हूँ क्या प्रेशर है या नहीं, तो इसके पास तो है। मैंने सीधा अपने सलगैलियो भेज दिया इसलिए क्योंकि इसके पास जीमूव जो वो ट्रैप इफेक्ट देता है और प्लेयर अब मिस भी हो सकता है। सामने है पालकिया तो अब ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, पर कोई ना, हमने अपने सलगैलियो को ही खड़ा रखा है, बस मैं चाहता हूँ स्लीप इफेक्ट खत्म हो जाए पर ख़त्म हो ही नहीं रहा, हद है यार, मतलब कब ख़त्म होगा। सीधा जी मूव, अब कोई ऑप्शन नहीं है, मैं चाहता हूँ मर जाए पर ये सर्वाइव कर गया जी मूव से, पर अर्थ को एक से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल लगातार दो पोकेमॉन हमने मार दी, एक तो डाकरा गया, अब चार पोकेमॉन या फिर तीन ही पोकेमॉन बचे हैं, देखते हैं अभी बहुत और ऐसे पोकेमॉन हैं जिन्हें मारना ज़रूरी है। फिलहाल के लिए सिर्फ तीन ही बचे, ग्राउडॉन मार दिया, डाकरा मार दिया, सलगैलियो सामने है, पालकी अभी भी जिंदा है और एक पोकेमॉन कायोग्रे प्रेशर एबिलिटी वाला। अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है ये लंबा चलेगा ऑनेस्टली, दोनों के पास सलगैलियो है और मैंने मूवसेट देख के जान लिया कि ये बंदे ने हमारा मूवसेट रखा है,
हद है यार, हर जगह यही। कुछ तो डिफरेंट ट्राई करो यार, क्या फ़ायदा तुम लोग का अलग होने का। चलो अब प्रॉब्लम यह है कि इस तरीके से तो लंबा चलेगा, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना सलगेलो नहीं हटाऊँगा, वो अपना नहीं हटाएगा, और इस तरीके से गेम बढ़ता जाएगा। फिलहाल के लिए मैं बस एक चीज़ का कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा उसका मूव्स वेस्ट कर दिया जाए, क्योंकि एंड में काम आएगा, और वो करने के लिए मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है, बस स्विचिंग पर डिपेंड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि मेरे मोबाइल के पास रेस्ट नहीं है, पर उसके बाद जो पोकेमॉन्स बचे उनके पास रेस्ट भरे पड़े हैं। फाइग्रे के पास भी रेस्ट होगा, ऊपर से प्रेशर भी है, पार्किया के पास भी रेस्ट है, इसके पास भी रेस्ट है, और फिलहाल मेरे पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन है जिसके पास रेस्ट है। तो ऐसे टाइम में मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस रहे नहीं, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मौका लेना पड़ेगा, मतलब रिक्स लेना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर आपको स्किप करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा बंदे ने खींचा है बैटल को, हद से ज़्यादा, कम से कम 45 मिनट्स के टोटल जो दिख रहा है ना छोटा सा बैटल, इतने मिनट का है, बहुत लंबा चला। अभी थोड़ी देर मैंने आपको स्किप करके दिखाया क्योंकि बैटल बहुत लंबा चला था, और जैसे तैसे मैंने उस कायग्रे को जल्दी से निपटा दिया। पर प्रॉब्लम यह थी कि वो जो कायग्रे था वो प्रोटेक्ट के साथ प्रेशर के साथ थोड़ा पीपी स्टाइल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे जल्दी से हमने निपटा दिया, क्योंकि वो अगर जिंदा रहता तो सलगेलो ऑब्वियसली जल्दी निपट जाता। फिलहाल के लिए जो प्रॉब्लम है वो ये था कि भाई जब जब मैं अपना मोबाइल लेके आ रहा हूँ प्लेयर अप पाने के लिए पालकिया को, तब तब वो बंदा जो है ना वो अपने सलगेलो को भेज दे रहा है, तो इसके चलते मेरे सारे के सारे प्लेयर अप खत्म हो गए। नहीं तो एक प्लेयर अप पालकिया डेड, सलगेलो को ऐसे सस्ते में निपटा देता मैं। पर इस तरीके से क्या हो रहा था ना, अगर सलगेलो मूव स्टाइल मतलब मूव खत्म हो रही थी उसके, तो बंदा जल्दी से पालकिया लेके आ रहा था और फिर स्लिप टॉक लगा रहा था, और उसको मारने के लिए मेरे को मोबाइल लेके आना पड़ता था, और जैसे ही मैं मोबाइल लेके आता ये बंदा सलगेलो लेके आ जाता। तो यह था कि उसके पास चांसेस बहुत थे, मतलब उसके पास रिक्स लेने के बहुत चांसेस थे, एक पालकिया है जो आराम से रेस्ट लगा सकता था, और मेरे पास रेस्ट लगाने वाला एक ही पोकेमॉन है, बचा मोबाइल। मैंने बहुत रिक्स ले लेके जैसे तैसे उसको बचा बचा के अभी तक आया हूँ मैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बहुत सारे सीन्स बीच में कट कर दिए, क्योंकि बंदा और मैं हार मानने को तैयार ही नहीं थे। मैं आज तक इससे नहीं हारा, तो मैं अभी भी नहीं चाहता हारूं, और वो पहली बार से जीतना चाहता था, इसीलिए उस बंदे ने पूरी पूरी जान लगा दी, और ये था सिचुएशन। मूव्स उसके बहुत हैं, मेरे बचे नहीं है, और HP भी मेरे मोबाइल के बची नहीं है। तो अगर इस स्टेज पे मेरा मोबाइल मरा तो भाई खेल ख़त्म है। मैं जल्दी से चेंज कर रहा हूँ, मेरे को अंदाज़ा लग गया बंदा अटैक करेगा, और बस मैं उसे ऐसे ही करना चाहता था कि ऐसे तरीके से उसके सलगेलो के मूव्स ख़त्म हो जाए, वो स्ट्रगल पे आ जाए, क्योंकि मैं आने वाला हूँ, तो इसका मतलब ये भी है कि उसके भी कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाले हैं। पर मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था कि इसका मूव ख़त्म ही नहीं हो रहा था, पालकिया के सारे ख़त्म हो गए थे, सिर्फ ड्रैगन टाइप मूव्स बचे थे और रेस्ट स्लिप टॉक, उसके अलावा कुछ नहीं, और मे भी शायद रेस्ट से कुछ ही बचे थे, स्लिप टॉक से कम ही बचे थे। पर बंदा अलग ही लेवल पर था, हार मान ही नहीं रहा था, मतलब और माने भी क्यों, जीतने की चाह है भाई सब में होती है, हमें भी है। हमने शॉर्ट डांस ज़्यादा पे ज़्यादा किया है, ताकि मैं इसे ऐसा फील करवाऊँ कि मैं खड़ा रहूँगा, मेरे पर अटैक करे, और उसके बाद चेंज करूँ। फिलहाल के लिए मैं एक आयरन हेड लगा रहा हूँ, क्योंकि ये फ्लिंच कर देता है, अभी अटैक करेगा, मैं चेंज कर रहा हूँ। ये होता है थोड़ा ट्रिगर कर देना कि हाँ मार मार, मैं तेरे को मार रहा हूँ तू भी मार, और ये देखो अब शायद फ्लेम चार्ज नहीं बचे, मे भी सारे ख़त्म हो गए, या फिर है भी तो एक दो ही बचे होंगे, ज़्यादा नहीं। और ये बंदा अपने सलगेलो के पीपी बचाने के चक्कर में बार बार स्विच कर रहा था, और ये नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि एक ही बार वाले स्पाइक्स मैंने डाले हैं, पर 2000 के आसपास डैमेज देगा, जब जब पालकिया उतरेगा उससे बहुत तगड़ा डैमेज पड़ेगा। 2000 भी कम नहीं होता, मतलब ठीक ठाक ही होता, क्योंकि उसका लेफ्टओवर्स नहीं है, तो वो थोड़ा ज़्यादा काउंट होगा। अब मैं जल्दी से मोबाइल लेके आता हूँ। फिलहाल के स्टेज में अगर एक भी चूक होती है ना तो गेम इधर ही ख़त्म। अगर मैंने गलत स्विच किया उस वक्त बाद कोई पड़ा या फिर फ्लेम चार्ज पड़ा, गेम ओवर है, और ऐसा मेरे को होने नहीं देना, मेरे को जैसे तैसे जीतना है। बंदे ने रेस्ट लगाया, तो फिलहाल मेरे पास मैं सलगेलो को खड़ा नहीं रख सकता, अगर खड़ा मैंने किया तो बहुत सारे मूव्स वेस्ट होंगे, तो मैंने जल्दी से मोबाइल भेजा, फिर से स्वॉर्ड डांस करता हूँ। बस एक ही या फिर दो ही मूव्स बचे होंगे इसके, ये आखिरी होना चाहिए, अगर अटैक कुछ करता है तो ख़त्म हो ही जाना चाहिए, मतलब एंड आ चुका है। मे बी हाँ, आर्थ क्विक अभी भी है, पर कैसे, मेरे हिसाब से उसने ज़्यादा लगाया था आर्थ क्विक, होने नहीं चाहिए। क्या ये कुछ पीपी चल रहा है या फिर मेरे कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, पर नहीं, जल्दी से मैंने यहाँ पे भेजा, मैंने भाप लिया था पालकिया आएगा, पर वो फिर से बच के भाग गया, आयरन हेड फिर से यहाँ पे वेस्ट हुआ, सेम के तरीके से प्लेयर अभी मिस हो रहा था। मैं बार बार रिक्स लेके अपना मोबाइल सही सही टाइम पर लेके आ रहा था, ये स्ट्रगल पड़ा है। जल्दी से मैं अपना मोबाइल लेके आता हूँ, देखता हूँ कितना ज़्यादा मोबाइल पर स्ट्रगल से डैमेज पड़ता है, क्योंकि स्ट्रगल नॉर्मल टाइप मूव है, ज़्यादा डैमेज नहीं देता, ठीक है, ये 600 के आसपास पड़ रहा है, मतलब ये तगड़ा पड़ सकता है, मार सकता है, एक बार बस वेस्ट करवा दो स्ट्रगल पर। जल्दी से पोकेमॉन चेंज कर दिया गया, सामने पालकिया को एक मारा, मर जाना चाहिए, थोड़े से सर्वाइव यार।
कि ये मेरी ख़त्म होने वाला था, मेरे को लग रहा है बंदा और खींचेगा, पर दो टर्न्स तक मैं खींचना चाहता हूँ। मैं करूँ क्या, मेरा भी स्ट्रगल शुरू। इतना ज़्यादा स्ट्रगल हमने किया है ना आज उस बंदे ने और मैंने, हमारी स्ट्रगल को दुनिया याद रखेगी। ये देखो भाई, अनन्या पांडे से ज़्यादा स्ट्रगल दोनों ने किया, हम दोनों ने किया। ये देख रहे हो ना, दोनों स्ट्रगल कर रहे हो उधर सलग्याली। अब वक्त है सही कि मैं जल्दी से मोबाइल लेके आऊँ, क्योंकि अगर मैंने अपने सलग्याली को खड़ा रखा तो वो खड़ा रह जाएगा जीत पूरी हमारे बैटल के लिए, मतलब डेड बॉडी की तरह खड़ा रह जाएगा। फिलहाल के लिए बस मेरे पास एक ही चांस है कि मैं शॉर्ट डांस करूँ, और मैंने वो किया। मैं एक और बार शॉर्ट डांस करूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये चेंज करेगा, इसकी बीबी कम है। या फिर स्ट्रगल से भी देगा तो दो बार में तो नहीं मार पाएगा, एक आयरन हैंड उसके बाद ज़रूर मार देगा। पर मैंने सलग्याली भेज दिया, रिक्स नहीं लेना है। अब मैं जल्दी से मोबाइल भेज रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अंदाजा लग गया पालकिया आएगा, और ये सही चांस था मेरे लिए। ये आया पालकिया, मैं स्वॉर्ड डांस कर रहा हूँ क्योंकि इसके मूव्स खत्म हो चुके हैं। अगर रेस्ट अलग आएगा तो मैं आयरन हैंड रॉक टूम से भी काम खत्म कर सकता हूँ। और ये सलग्याली एक और बार स्वॉर्ड डांस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता अटैक करना। फिलहाल मेरे को अंदाजा लग गया कि बंदा खुद स्विच करेगा। ये किया इसने, ये मैंने किया पालकिया स्वॉर्ड डांस। और सॉरी, अब ख़त्म करते हैं, बहुत हुआ। अब इतना ज़्यादा मेरे को इतना झेला नहीं जाता, ख़त्म करता हूँ बंदे को। बहुत लंबा स्टेल किया आपने, पर हमसे नहीं जीत पाया, फिर से एक और हार। तो वीडियो अच्छी लगी, और मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।